अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल्लार्स कुकिंग। आज हम बनाएंगे एक स्वीट डिश। ये बहुत ही इजी है और झटपट होने वाली है घर में रखी चीजों से। ये हमने एक कप शक्कर लिए है और एक कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे, दो स्पून पकाएंगे। इसका हम सिरप बनाने वाले हैं। शक्कर मेल्ट होने पे इसमें उबाल आ जाएगा और फिर हम गैस ऑफ करेंगे। इसमें उबाल आ गया है, अब हम गैस ऑफ करेंगे। हमने एक कढ़ाई रखी है, इसमें हम बटर डालेंगे। ये 2 टेबल स्पून के करीब है। आप इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही इसमें बटर मेल्ट होएगा तो हम इसमें 1 कप रवा ऐड करेंगे। जो कप से हमने शक्कर और पानी लिए हैं वही कप से हम इसमें रवा ऐड करेंगे। तो हम अच्छी तरह से लाइट गोल्डन होने तक का भूनेंगे। इसका कलर चेंज हो गया है, हमने इसे 4 से 5 मिनट हो गए इसको इस तरह से भूनते हुए और इसका कलर अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। अब इसमें हम ये सिरप ऐड करेंगे। ये जो शक्कर वाला हमने सिरप बना के रखे हैं उसको इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें 1 कप मिल्क भी ऐड करेंगे। तो हमने अच्छी तरह से पकाया है, आप देख सकते हैं एकदम से ड्राई हो गया है। अब हम गैस ऑफ करेंगे, इसको ट्रे में निकालेंगे, इसको ठंडा करेंगे। ये इस तरह से होना चाहिए एकदम। हमने एक ट्रे लिए, इसमें हमने बटर लगाए हैं। बटर या घी लगा के इसको ग्रीस करना है। इसको हम इस ट्रे में निकालेंगे। इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। इसको हमने इस ट्रे में रख के सेट करके रखे हैं। अभी हम उसके आगे की लेयर रेडी करेंगे। सेकेंड लेयर के लिए हम इसमें दूध ऐड करेंगे। ये कप वही कप है जिससे हमने सारी चीजें लिए, इसी से हम 2 कप इसमें मिल्क ऐड करेंगे। इसमें ये साइज के चम्मच से हम इसमें 3 चम्मच शक्कर ऐड करेंगे, 3 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून मैदा। ये सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको हम गैस पे चढ़ा दीजिए। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहेंगे जब तक ये ठीक ना हो जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा वैनिला एसेंस ऐड करेंगे। ये मेरे पास क्रीम है, मैं इसको ऐड करने वाली हूँ। आपके पास अगर मलाई है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुका है और ये इस तरह से है क्रीमी एकदम। अब हम गैस ऑफ करेंगे। अब इसके ऊपर हम इसको डालेंगे इस तरह से। बिस्मिल्लाह।
हमने इस पे इसको सेट कर दिए। अभी एक घंटे के बाद हम इसको फ्रिज से बाहर निकालेंगे और आपको दिखाएंगे। ये हमने बाहर निकाले फ्रिज से, एक घंटा हो गया है और ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इसके हम पीसेस करेंगे। इसको हम थोड़ा गार्निश करेंगे इस तरह से। ये मेरे पास पिस्ता के पाउडर है, और इस पे हम एक जेली रखेंगे। आप टूटी फूटी भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना है और बहुत ही लाजवाब है। और ये मैंने दूसरे जो ट्रे में रखी थी वो इसमें से निकाली हूँ। आप देख सकते हैं इसका पीसेस बहुत ही यम्मी बना है और बहुत ही टेस्टी भी है। ये इस तरह से है। ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही यम्मी बना है और एकदम क्रीमी है, टेस्टी है, मुंह में जाते ही घुल जाता है। बहुत ही जबरदस्त ये रेसिपी है ये। आप भी इसे जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।